लेकिन एक बात मैं कहूं, जैसे मुझे इमरान प्रतापगढ़ी ने बहुत निराश किया, कितना भी अकादमिक बहसें कर लो, 3 दिन तक बोलते रहो, फिर भी मैं इस बात से सहमत नहीं हो सकता कि तुम अतीक और मुख्तार की शान में कव्वाली गा रहे हो, हैं, और गालिब समझ रहे हो खुद को। यार कुछ तो शर्म कर लो। विभूति भाई मानवाधिकार के आंदोलन से जुड़े आदमी है, ये भी इस बात से सहमत नहीं हो सकते सार्वजनिक तौर पर कि अतीक और मुख्तार का जय जयकार करने का समय बचा। खैर छोड़िए, एक बात कह के मैं तारिक खान आपके पास आऊंगा। लाल बहादुर शास्त्री का शव जब ताशकंद से आया, बड़ी महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं अनुपम भाई, तो ललिता जी ने कहा कि इनको जहर दिया गया है। क्या पूरी कांग्रेस ने उनको चुप करा दिया? चुप रहो शास्त्री जी, अमर रहे, फूको तापो, अमर रहे, और काम तमाम कर दिया। क्या शास्त्री जी की जांच नहीं हो, मुख्तार अंसारी की जांच कराओ, कांग्रेस अनशन करेगी। लग रहा कांग्रेस ही बिल्कुल प्राणपण से निकल पड़े हैं डांडी मार्च फॉर मुख्तार। लाल बहादुर शास्त्री के परिवार का रोना बिलखना आपको समझ नहीं आया था? विभूति भाई तो पुलिस के अधिकारी ने, ललित नारायण मिश्रा बम से उड़ गए थे, उनकी जांच में आपकी रुचि नहीं रही। लेकिन मुख्तार जी के लिए इंसेट बजा देगी कांग्रेस, कुछ तो ख्याल करो प्रभु। खैर तारिक खान साहब, मैंने देखा पूरा परिवार उतरा है, अखिलेश जी, शिवपाल जी, रामगोपाल जी, धर्मेंद्र जी, यादव परिवार सब उतरे और सबने अपने अपने स्तर से मुख्तार अंसारी को लेकर पोजिशनिंग की, चुनाव भी है सिर पे। और यह भी सच है कि अतीक और मुख्तार जैसे लोग पूर्व की सरकारों में पनाह नहीं पाए, उन सरकारों को अपनी शेरवानी में रख के चलने वाले लोग थे, पनाह पाना उनका छोटी बात कहना होगा। मुख्यमंत्री के सार्वजनिक मंच पर अपना कुत्ता लेके आदमी चढ़ जाए, एक हाथ से कुत्ता की चेन पकड़े, एक हाथ मूंछ पर, और ले जाके कुत्ते की टांग मुख्यमंत्री को दे दे, कहा कहे फोटो खिंचाओ इसके साथ, इसके बाद कुछ इकबाल बचता है क्या? नहीं ना। लेकिन मैं देख रहा हूं कि लखनऊ से लेके पटना तक बिल्कुल दुख का दरिया बह रहा है, सैलाब बह रहा है। चुनाव नजदीक है इसलिए ज्यादा बवाल है क्या तारिक खान साहब? देखिए अब सबसे पहले कि राज्य को रक्षा करनी है, लेकिन फिर आपने कहा कि कोई आदमी मर सकता है जुडिशियल कस्टडी में, ठीक है, अच्छी बात है, मर जाए कोई दिक्कत नहीं है, हार्ट अटैक तो किसी को आ सकता है, आपको आ जाए अभी या मुझे आ जाए, अभी तुरंत आ जाए। तो मुझे अगर तुरंत हार्ट अटैक आया या आपको आया तो आपको अस्पताल ले जाएंगे और आधे घंटे बाद वापस ले आएंगे। क्यों ले आए, क्यों ले आए, पहली बात। दूसरी बात, अगर 3 दिन पहले बीमार पड़े थे तो अस्पताल में भर्ती कर वापस क्यों ले आए, क्या इच्छा थी मार डालने की? उसके बाद एक सवाल और जी, कि अगर उनको कई साल पहले हार्ट अटैक आया था तो बाईपास सर्जरी कराई जा सकती थी या जुडिशियल कस्टडी में बाईपास सर्जरी, एंजियोप्लास्टी, एंजियोग्राफी नहीं होगी, ऐसा प्राविधान है, आपने कानून बनाया है जी। क्योंकि आपके कानून तो अलग किस्म के होते हैं ना अमिताभ जी, अभी आप बता देंगे कोई ना कोई कानून कि इसमें भी कोई कानून था कि एंजियोप्लास्टी, एंजियोग्राफी नहीं हो सकती थी, बाईपास नहीं हो सकता। क्यों? इसकी मुख्तार अंसारी की जान की रक्षा करने की जिम्मेदारी सरकार की कहां है? वो तो चाहते थे कि मुख्तार अंसारी मर जाए, ठीक है, मर गए मुख्तार अंसारी, क्या हो जाए, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन ये दाग सरकार पे ही लगेगा कि जुडिशियल कस्टडी में, कल ब्रिजेश सिंह जुडिशियल कस्टडी में मर जाते, यही सवाल अखिलेश यादव उठाते तब भी सरकार पे। आपने आरोप लगा दिया कि मुसलमानों के वोट के लिए अखिलेश बोल दिए, अखिलेश जी बोल दिए, नहीं मुसलमान के वोट के लिए नहीं बोले, जायज बात है इसलिए बोले, मुसलमान तो वैसा ही हमको वोट देता है भाई, 90% कौन लेगा मुसलमान का वोट भाई, इसलिए थोड़ी ना बोला। ब्रिजेश सिंह को अंदर कराइए और कल मर जाए ब्रिजेश सिंह, विनीत सिंह, कोई मर जाए, कराइए अंदर फिर से। और एक बात है, जब माफिया का नाम लिया करिए ना तो हरिशंकर तिवारी से स्टार्ट किया करिए, ठीक,
और वीरेंद्र प्रसाद शाही से स्टार्ट किया करिए, और विनीत सिंह से स्टार्ट किया करिए जी, और खाली मुसलमान माफियाओं का नाम मत किया करिए, बहुत ठीक है तारिक खान जी, ठीक है चुनाव चल रहा है और हिंदू मुसलमान मत कराइए यहाँ पर, ठीक है तारिक खान जी आ गई आ गई, मुझे बाहर करवा दीजिए आप इसी बेड पे, नहीं आ गई बात नहीं, अभी अभी 5 सेकंड और दीजिए, 5 सेकंड और, ठीक है 10 सेकंड, हिंदू मुसलमान मत कराइए, जब माफिया का नाम लीजिए तो साथ में ब्रिजेश सिंह, नीत सिंह, सुशील सिंह, इनको भी ले लीजिए, ठीक बराबर हो, ठीक ये भी तो माफिया है, ठीक दो तथ्य, ठीक है अब रुकना होगा बाबू, अब रुकना, दो तथ्य गलत दिए तारिक खान ने, उनको जानकारी में नहीं रही होगी, तथ्यों की पवित्रता बहुत जरूरी है, उसके बिना तो फिर सारा घोर माठा हो जाएगा। मुख्तार जब जेल से अस्पताल से वापस जेल भेजे गए थे तो उस दौरे में मुख्तार के हार्ट अटैक का मसला नहीं था, उनको पोटी नहीं हो रही थी यह समस्या थी, ठीक ये उनको जानकारी नहीं, मेरे साथ नहीं चल सकता, आप जानते हो मेरे स्वभाव, नो जब दोबारा आएंगे तब बोलेंगे, अभी नहीं, जब दोबारा आएंगे तब, ऐसे नहीं चलेगा, नो वे, ठीक जब दोबारा आए भी नोट करके रखो तब दोबारा में बोलो। दूसरी बात, उन्होंने कही एंजियोप्लास्टी नहीं हो सकती, बिल्कुल हो सकती, सारी प्लास्टी हो सकती है, कौन सी प्लास्टी नहीं हो सकती, लेकिन प्लास्टिक का टाइम मिलेगा तब ना प्लास्टिक होगी, समाजवादी पार्टी की इच्छा से तो एंजियोप्लास्टिक करानी है, इसलिए किसी को ईश्वर टाइम दे ये तो जरूरी नहीं। अस्पताल तारीख अभी रुकना होगा भाई, अस्पताल में ब्रॉड डेड शब्द भी लिखा जाता है ना लोगों के लिए, कि जब व्यक्ति लाया गया फौत हो चुका था, क्या समस्या है, ये एक गलत बयानी नहीं करो मित्र, ना 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 था गलत बयानी, ठीक नहीं। खैर बिमल सिंह भाजपा के प्रवक्ता भी हैं और इनका घर बलिया और गाजीपुर के बॉर्डर पर है, तो मुख्तार का फाटक और इनका घर मेरे ख्याल से 17-18 किलोमीटर के रेंज में है, तो ये वाकई भी वहां का थोड़ा बहुत क्रियाकलाप जानते हैं औरों से बेहतर। विमल सिंह, सारे अखिलेश यादव, मायावती, कांग्रेस, लालू यादव का परिवार सब कह रहे ओवैसी के भाई भाजपा वालों ने मुख्तार को मरवा दिया, उसकी देखरेख नहीं हुई और अभिरक्षा में मरना तो नॉट अलाउ है, अभिरक्षा में कैसे मर सकता आदमी, क्या ये जिम्मेदारी भी सरकार को लेनी चाहिए कि कब कहां कौन कैसे मरे, अभिरक्षा में मरेगा तो सरकार दोषी होगी, और भाजपा ने जानबूझ के ये क्रियाकलाप करा दिया। बताओ भैया अमिताभ जी, जी एक कहावत है, अति का अंत जो होता है ना वो बहुत भयावह होता है, और आज हम चर्चा कर रहे हैं कि मुख्तार अंसारी की हार्ट अटैक आई है या उसको मारा गया है, मुख्तार अंसारी के ऊपर जो है 65 से ऊपर आपराधिक मामले में चोरी नहीं होता है, आपराधिक मामले में होता है हत्या, लूट, डकैती, अपहरण करना, एनएसए एक्ट उसके ऊपर लगाया गया था, 8 उसके गुनाहों पे जो है सजा मिली है, उम्र के दो सजाओं में जो है उम्र कैद उसको सुनाया गया है। मैं उत्तर प्रदेश के बलिया से आता हूँ अमिताभ जी, ये लोग तो पढ़ के बात कर रहे हैं ना, जो यूट्यूब के ऊपर, जो गूगल के ऊपर देखा गया है, मैं तो उस चीज़ को देखा हूँ, उस भयंकर दृश्य को मैंने देखा है कि वहां पे क्या आतंक था, वहां पे अगर टेंडर खुलता था ना तो कोई अधिकारी के पास नहीं जाता था, वहां पे टेंडर अगर किसी चीज का खुलता था तो लोग मुख्तार अंसारी के पास जाते थे और वहां डीएम को घर पे बुला के उसको टेंडर दिलवाया जाता था, जिसको मन करता था उसको उठा लेता था, जिसको मन करता था उसको मरवा देता था। और अभी मेरे मित्र राज शर्मा जी ब्राह्मण की बात कर रहे हैं, वहां पे जो है जो अवधेश राय जी आपके कांग्रेस के ही नेता थे ना, आज आपके जो है अजय राय जी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके सगे भाई थे, और अजय राय जी के सामने अवधेश राय जी को पूरा गोलियों से छलनी कर दिया गया था लहुआ भी बनारस में। अब ब्राह्मण की बात कर रहे हैं, कृष्णानंद राय जी कौन थे, भूमिहार ब्राह्मण है, उनको उनके जो है बॉडी से 70 गोली जो है उनके बॉडी से निकाला गया था, उनका जो उनके साथ जो रहने वाले 6 लोग मरे थे उनके उनके किसी के बॉडी से 100 गोली निकाली गई, किसी के बॉडी से 80 गोली निकाली गई थी। क्या बात करते हैं आप लोग, मैं तो उस चीज को देखा हूं, उस चीज को मैंने हम लोग फील किए हैं, बलिया
मऊ, गाजीपुर, आजमगढ़ में जो उसका आतंक था, उस चीज को हम लोगों ने फील किया है। देखिए अमिताभ जी, हम लोग बात कर रहे हैं कि आज जो है हार्ट अटैक आया है, कितने परिवारों के लोगों को हार्ट अटैक आ गया था उस डर से, कितने लोग मर गए उसके डर से। बच्चे को अगवा कर लिया जाता था कि अगर पैसा नहीं दोगे शाम तक तो तुम्हारा बच्चे का लाश जो है और गर्दन तुम्हारे घर पे भिजवा दिया जाएगा। कितने मां बाप जो है हार्ट अटैक से मर गए, उस पर चर्चा आज तक नहीं हुआ, लेकिन एक अपराधी मारा जाता है उस प्रदेश के अंदर तो इस पर चर्चा की जाती है। राज शर्मा जी, आप जो व्यक्तित्व दे रहे हैं ना, एक बार कॉल करके अपने अध्यक्ष जी से पूछ लीजिए, उनके आंखों के सामने उनके भाई को छलनी किया गया था। और ये मैं बकायदा ये नहीं बोल रहा हूं, मेरे पास जो है FIR की कॉपी है जो अजय राय जी ने FIR लिखवाया था। कृष्णा राय की पत्नी से पूछिए, उनके बेटे से पूछिए। एक आपको याद होगा 1996 में अमिताभ जी, वहां के SSP के ऊपर जानलेवा हमला किया गया था, उसका अपहरण करके। वहां पे जो है पूर्वांचल का सबसे बड़ा कोयला जो कारोबारी था रुंगटा, उसको अगवा कर लिया गया था। उसका आज तक पता नहीं चला कि कहां है कहां नहीं है, ना उसकी लाश मिली ना उसका कुछ भी नहीं मिला, ना वो जिंदा वापस आया। कैसी बात कर रहे हैं आप लोग? हम लोग उस चीज को महसूस किए हैं। जब मुख्तार अंसारी लड़ता था चुनाव ना, तो वो जनपद का नहीं चुनाव लड़ता था, वो बाकी के तीनों चारों जनपद पे जिसके ऊपर हाथ रखता था ना वही चुनाव जीतता था। और लोग वोट देने नहीं जाते थे, वोट जो है पोलिंग बूथ पे जो है थप्पा लगाया जाता था, उसके आदमी जाके थप्पा लगा कर आते थे। ठीक, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो सरकारें बात कर रही हैं, चाहे बसपा हो चाहे सपा हो, इन लोग को तो दिक्कत होगा ना अमिताभ जी, क्योंकि इनके पाले हुए लोग थे। 2003 में जो है, मुझे उस अधिकारी का नाम नहीं याद आ रहा, एक मिनट अमिताभ जी, एक अधिकारी थे 2003 में, उनका नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, IPS अधिकारी थे, डिप्टी SP थे, उन्होंने मशीन गन के साथ, शैलेंद्र सिंह, जो मशीन गन जो है आर्म था, आर्म फोर्स का चुराया हुआ मशीन गन था, उसको उन्होंने जो है गिरफ्तार किया था, और शैलेंद्र सिंह के ऊपर दबाव बनाकर उनको रिजाइन कराना पड़ा। ठीक, रिजाइन ही नहीं हुआ, शैलेंद्र सिंह को जेल भेज दिया, चूंकि मुलायम सिंह ने, चूंकि शैलेंद्र सिंह ने मुख्तार पर पोटा लगा दिया था, तो मुलायम सिंह जी इतना नाराज हुए, एक रात में, नई पीढ़ी के लोगों को नहीं पता होगा, एक रात में IG बनारस से लेकर शैलेंद्र तक सबको सस्पेंड कर दिया मुलायम सिंह ने, कि मुख्तार में हाथ डाल दिया, तुमको समझ ही नहीं कौन है।